पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस राउफ ने इंकशाफ किया है कि कौमी टीम में आने का सफर काफी कठिन रहा है। यहाँ तक कि स्कूल की फीस अदा करने के लिए मुझे निम्को तक फरोख्त करना पड़ी। रावलपिंडी की गलियों से क्रिकेट शुरू करने वाले फास्ट बॉलर ने वालिद से बहुत मार खाई, लेकिन अपने शौक से पीछे नहीं हटे। हारिस राउफ जनवरी 2020 में अपने डेब्यू के बाद से वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान के नंबर वन बॉलर बनकर उभरे हैं। हारिस ने माली तौर पर मुस्तहकम न होने की वजह से अपने करियर में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, जिसकी वजह से उन्होंने घर का खर्चा और यूनिवर्सिटी की फीस अदा करने के लिए टेप बॉल क्रिकेट खेली। यही नहीं बल्कि वो बाजार में निम्को भी बेचते थे। क्रिक इन्फो को इंटरव्यू देते हुए हारिस राउफ ने इंकशाफ किया कि मैट्रिक के बाद हर इतवार को बाजार में निम्को बेचने का काम किया करता था। बादजां टेप बॉल खेल कर यूनिवर्सिटी की फीस अदा की। जब मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो मेरे वालिद की इतनी कमाई नहीं थी कि वो मेरी फीस अदा कर सके, लेकिन टेप बॉल खेल कर फी सेमेस्टर 70 से 80 हजार रुपए फीस अदा कर लेता था। उन्होंने कहा कि जो लड़के पाकिस्तान में प्रोफेशनल टेप बॉल खेलते हैं वो महाना 2.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया, कुछ कमाई अपनी वालदा को देता और कुछ अपने पास ही रख लेता कि मुस्तकबिल में काम आ सके, लेकिन वालिद को अपनी कमाई के बारे में कभी नहीं बताया था। मेरे वालिद के 3 भाई हैं और सब इकट्ठे रहते थे। मेरे वालिद का एक बड़ा कमरा था और जब मेरे चाचा की शादी हुई तो मेरे वालिद ने अपना कमरा अपने भाइयों को दे दिया। बिलाखिर ऐसा वक्त भी आया कि हम किचन के अंदर सोने पर मजबूर हो गए। टेप बॉल से लाहौर कलंदर की टीम में पहुंचने के सफर के बारे में बात करते हुए हारिस राउफ ने बताया कि एक दिन वो अपने दोस्त के मशवरे पर गुजरावाला में ट्रायल देने पहुंच गए। उन्होंने बताया कि घर में किसी को नहीं मालूम था कि मैं ट्रायल देने जा रहा हूँ। सैकड़ों की तादाद में वहाँ उम्मीदवार मौजूद थे। मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रायल दे रहा था, एक एक मरहला पार करता गया और जब आखिरी ट्रायल का वक्त आया तो 88 मील फी घंटा की रफ्तार में सबसे तेज गेंद करवाई। वहाँ मौजूद कोचेस को यकीन नहीं आया, वो समझे कि शायद स्पीड टेस्ट खराब है। हारिस राउफ ने बताया कि मुझे आकिब जावेद ने दूसरी गेंद करवाने का कहा और जब मैंने दूसरी गेंद 90 मील फी घंटा रफ्तार तेज करवाई और तीसरी गेंद से 92.3 मील फी घंटा रफ्तार से करवाई तो मेरी तेज रफ्तारी देखकर लाहौर कलंदर्स के कोचेस ताहिर मुगल और आकिब जावेद हैरान रह गए। हारिस राउफ को लाहौर कलंदर्स ने 2017 में अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम PDP के तहत ऑस्ट्रेलिया भेजा था। ये वही मौका था जिसके बाद 2018 में हारिस को इसी प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स की टीम में अबू जबी T20 ट्रॉफी खेलने का मौका दिया गया था, जिसमें उनकी टीम चैंपियन बनी। 2019 वो साल था जब हारिस राउफ ने UAE में खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन में लाहौर कलंदर की जानिब से डेब्यू किया और फिर लीग में अपने चौथे मैच में ही उन्होंने 150 किलोमीटर फी घंटा की गेंद करवाई। व्हाइट बॉल क्रिकेट में हारिस राउफ की कामयाबी का सफर जारी है। उन्होंने अब तक 62 इंटरनेशनल T20 मैचेस में 83 विकेट हासिल की हैं और 28 वनडे मैचेस में 53 खिलाड़ियों का शिकार किया है। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।